नमस्कार, मैं संदीप नोकवाल दी पब्लिक में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। कर्नाटका के चुनाव 10 मई से होने जा रहे हैं, 13 मई तक नतीजे भी जारी हो जाएंगे, लेकिन इसी बीच ओपिनियन पोल आने से नेताओं के दिमाग में खलबली मच चुकी है। नेता भगदड़ मचा रहे हैं और इस भगदड़ के परिणाम स्वरूप कुछ सीटों में हेर फेर हुआ है, जो मैं आपको बताऊंगा। आज का ओपिनियन पोल हमारा सट्टा बाजार पर आधारित है, क्योंकि सट्टा बाजार के अंदर डेली के डेली आकलन किए जाते हैं कि कौन से नेता जीत दर्ज कर सकते हैं, कौन से नेता मजबूती से हैं, कौन से नेता उंधे मो नीचे गिर रहे हैं। जी हाँ, ये विशेष सूत्रों के हवाले से हमने ओपिनियन पोल के आंकड़े जारी किए हैं। सबसे पहले मेन बात बता दें कि आपके मन में उत्सुकता होगी, क्या सट्टा बाजार के ओपिनियन पोल में भी भाजपा हार रही है? तो मेरा जवाब हाँ में है। कर्नाटका के अंदर भाजपा को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 57% मतदाता फिर से भाजपा को सत्ता में आते हुए देखना नहीं चाहते हैं। काफ़ी चौंकाने वाले नतीजे यहाँ से सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार के प्रति लोगों का रुझान अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आपको बता दें कि 57% मतदाता 214 सदस्य वाली विधानसभा में जो है भाजपा को फिर से नहीं देखना चाहते हैं। आपको बता दें कि 17% मतदाताओं ने कहा कि राज्य सरकार से नाराज नहीं है और इसे बदलना नहीं चाहते, यानी 17% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें भाजपा की सरकार चाहिए, हम सरकार को बदलना नहीं चाहते हैं। ऐसे में तो आप आंकड़ों पर अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पलड़ा जो है भाजपा का नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस का पलड़ा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए टेंशन बढ़ाई हुई है। कुछ सीटों में अगर मैसूर की बात की जाए तो 224 सीटों में से 55 सीटें मैसूर में आती है। यह इलाका कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत के बाद सबसे ज़्यादा असर दिखाने वाला वोक्कलालिंगा समुदाय का गढ़ है। आपको बता दें कि यहाँ पर क्या होने जा रहा है कि 55 सीटें को लेकर केरल से सत्ता में यह इलाका जितना भी खूबसूरत है, सट्टा बाजार भी यहाँ से प्रभावित होता है। आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग 25,000 लोगों से बात की गई, सबने विधानसभा सीटों पर किए गए सर्वे में जनता से चुनावी मूड समझने की कोशिश की गई, और ऐसे में यहाँ से अगर देखा जाए तो 20% वोट मिलने की संभावना यहाँ पर बीजेपी को दिखाई गई है और कांग्रेस पार्टी को 36% वोट, और बाकी जो है वोट जेडीएस को। तो कांग्रेस और जेडीएस में कांटे की टक्कर यहाँ से देखी जा सकती है, लेकिन भाजपा यहाँ से बाहर है। आपको बता दें कि 24 से 28 सीटें 55 में से कांग्रेस के खाते में, जेडीएस के कांटे में 26-27 सीटें, वहीं बीजेपी के खाते में 5 सीटें, यानी जेडीएस और कांग्रेस की यहाँ पर टक्कर है और जेडीएस के चुनाव के बाद अहम भूमिका देखी जा सकती है। कुछ मान राजनीतिकों का यह भी दावा किया जा रहा है कि जेडीएस के साथ गठबंधन में सरकार कर्नाटका के अंदर बताई जा सकती है, और कांग्रेस की वापसी का अनुमान जो है सट्टा बाजार ने दिया है, यानी कांग्रेस पार्टी को सट्टा बाजार में जीतता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। और सीएम के तौर पर किसे लोग चेहरा मानते हैं? सबसे ज़्यादा यहाँ पर कर्नाटका के अंदर बेरोजगारी के नाम पर लोगों को चुनाव में अपने मुद्दे को उठाया कि बेरोजगारी ज़्यादा है, इस कारण वो भाजपा को पसंद नहीं करते, भाजपा बेरोजगारी दूर नहीं कर पाई है। और टोटल देखा जाए तो बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर 113 है और कांग्रेस को ओपिनियन पोल में 115-120 से ज़्यादा ही सीटें मिलती दिखाई दे रही है, 130 तक सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और छत्रबार की तरफ से मैं आपको बता चुका हूँ, और मुख्यमंत्री के तौर पर किसे पसंद किया जा रहा है? आपको बता दें कि सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री जो है पहले नंबर पर है कांग्रेस नेता सिद्धारमैया है, जिन्हें 39% लोगों ने पसंद किया। वहीं पर वर्तमान सीएम बसवराज बोमई को 31% लोगों ने पसंद किया, जेडीएस के कुमार स्वामी को 31%, यानी सीएम के तौर पर भी कांग्रेस नेता पसंद किए जा रहे हैं और ओपिनियन पोल के अंदर भी कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव देखा जा सकता है, जिसकी जो आग जो कर्नाटक के अंदर लगी है, इसकी लपटें राजस्थान से होते हुए हरियाणा में भी पहुँचने वाली है, यानी कर्नाटका के बाद राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं और वहाँ पर भी कांग्रेस मजबूती से खड़ी हुई दिखाई दे रही है। एंड आफ्टर दैट हरियाणा के अंदर भी लोग भाजपा को पसंद नहीं कर रहे हैं, भाजपा के नेता कुछ ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिनका विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर आप अपने विचार कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में। जुड़े रहिएगा द पब्लिक के साथ। जय हिंद।